हेलो मुंबई, कैसे का है? ऑल सेट टू गो? अ स्पेशल पर्सन, ग्रेट फुटबॉलर एंड यूनिसेफ एम्बेसडर, डेविड बेकम. डेविड बेकम इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पुराने कप्तान, इतने सेलिब्रेटेड फुटबॉल प्लेयर, वो भी आज इंडिया में दिखाई दिए. फीलिंग गुड? Yeah, feeling good. This is like every other EPL game, isn't it? Yeah, first time I've been to a live World Cup game. Really? Yeah. यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के सुपरस्टार्स नहीं, एक जो ग्लोबल फिनोमेना जिसको कहा जाता है फुटबॉल, उसका भी इतना बड़ा सितारा आज इंडिया में बैठकर वो मैच देख रहा है. लगता है BCCI ने तो टी शर्टों से इतना पैसा कमा लिया जितना हमारे पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बजट है, जितनी उन्होंने मर्चेंडाइज बेची है. लगता है हर इंडियन ने ब्लू शर्ट्स खरीदी हुई है. आज दुनिया के सुपरस्टार इंडिया में उतर रहे हैं तो इसलिए उतर रहे हैं ना कि आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है. बट टॉस कैसे हुआ? ये कंट्रोवर्सी चल रही है, वो ऊपर फ्लिप नहीं किया, वो दूर फेंका, ये और क्यों किया, उस पर भी बहुत डिस्कशन और डिबेट हो रही है. मैं एक सी सवाल कर रहा हूँ, अगर हम दिखा सकें टॉस के वक्त, खत्म हो गया टाइम हमारे पास जल्दी. रोहित शर्मा जब टॉस करते हैं वो दूर फेंकते हैं. आप टॉस छक्का पकड़ के छक्के को उछालना होता है, फेंकना नहीं होता. फ्लिप करने के बजाय साइडवेज वो जाके 20 फुट पे जाके फेंक दिए. It was a fair pitch, yes, and it was fair play all the way. Absolutely fair था. मसला पिच का नहीं था, मसला सारा का सारा जलन का था. बकवास है, सब झूठ है. देखिए, मैंने हमेशा बताया कि जब इंसान हारता है, कुछ कर नहीं पाता, हाथ पांव नहीं चलते, तो वो सिर्फ जुबान चलाता है और इल्जामात लगाने शुरू करता है. न्यूजीलैंड पहले बैटिंग भी करती तो स्टिल वही टीम जीतती जो अरडे बेहतर खेलती. आई थिंक कुछ भी टॉस या कुछ ऐसा एडवांटेज किसी को नहीं गया. इंडिया प्लेड बेटर क्रिकेट. तो दोस्तों, कल आपने न्यूजीलैंड और इंडिया का सेमीफाइनल मैच देखा होगा, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड से एक बड़ी जीत हासिल की है वानखेड़े के उस ग्राउंड पर, जहां पर दुनिया और भारत के बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे, जहां पर दुनिया के सबसे फेमस फुटबॉलर डेविड बेकहम भी इस मैच में मौजूद थे और उन्होंने विराट कोहली से बातचीत की और साथ में उनके साथ फुटबॉल भी खेला. लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच इंग्लिश मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया भारत की इस जीत को लेकर के कंट्रोवर्सी बना रही है. भारत ने अपनी मनमानी की है पिच के रिगार्डिंग, जहां भारत ने लास्ट मोमेंट पर पिच चेंज कर दिया और भारत ने स्पिनिंग पिच बनाई है जिससे भारत के स्पिनर्स को फायदा हो. लेकिन दोस्तों, हम सब ने इस मैच के दौरान देखा, भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में तो अच्छी बैटिंग की और साथ में न्यूजीलैंड ने भी अपने इनिंग्स में बहुत ही अच्छी बैटिंग की, जहां दोनों टीम के स्पिनर्स को काफ़ी कम विकेट्स मिले. वहीं दूसरी तरफ फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा विकेट मिले हैं. और दोस्तों, इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया अब टॉस को लेकर के कंट्रोवर्सी बना रही है. तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. यहाँ पर स्टैंड्स में वो थे डेविड बेकम. डेविड बेकम इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पुराने कप्तान, इतने सेलिब्रेटेड फुटबॉल प्लेयर, वो भी आज इंडिया में दिखाई दिए. तो क्या ये क्रिकेट की पॉपुलैरिटी, आप जिस ब्रांड की बात करते हो, क्या इंडिया ने वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट बनाया है? क्या वो पॉपुलैरिटी है कि यहां पर अब सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के सुपरस्टार्स नहीं, एक जो ग्लोबल फिनोमेना जिसको कहा जाता है फुटबॉल, उसका भी इतना बड़ा सितारा आज इंडिया में बैठकर वो मैच देख रहा है? मेहर, हिंदुस्तान एज अ मुल्क ने अपने आप को बहुत अच्छा ब्रांड बनाया है. आपने इन्वेस्ट किया अपनी इकॉनमी पे, आप अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया है, अपने सिस्टम पे इन्वेस्ट किया है, और आपने ये बात तो माननी पड़ेगी कि आज हिंदुस्तान जहाँ पे जिस जगह पे खड़ा है, आप अपनी मेहनत से खड़े हो. Absolutely. आप अपने हार्डवर्क से खड़े हो, आप अपनी ब्रांडिंग से खड़े हो, अपने पोजिशनिंग से खड़े हो. आज दुनिया के सुपरस्टार इंडिया में उतर रहे हैं तो इसलिए उतर रहे हैं ना कि आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है, तो तब आ रहे हैं जी. बेकम 98 में क्यों नहीं आया जी? 2020 में क्यों आ रहा है? 2023 में क्यों आ रहा है? देखें, कहीं पे आपकी इज्जत इसी वजह से हो रही है ना कि आपने इतना लोहा मनवाया है जी. बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. और बेकम का आना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी खबर है. देखें, सारों की बेगमात बैठी हुई है, सारे फिल्म स्टार बैठे हुए हैं, सारे दुनिया के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे. यूनिसेफ वाले बैठे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सचिन बैठे हुए हैं जी. जी, लेकिन ना वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बैठे हुए हैं. तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के सामने आप अपने आप एक लड़का जो बो डाउन कर रहा है और वो ये दिखा रहा है कि मैंने आपकी वजह से क्रिकेट शुरू की थी और आपकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ और ये इज्जत आज मैं आपको देता हूँ, और ये भी कह रहा हूँ कि मैं आपसे बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, जो क्योंकि मैंने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया है,
इसका यह मतलब नहीं मैं आपसे बड़ा हूं। ये है वो रिस्पेक्ट, ये है वो सिस्टम, ये है वो नॉर्म्स, वो ये वो लिहाज है जिससे आपको अच्छा कौम दिखाता है। और ये कितनी अच्छी बड़ी बात है कि वो अपना हाथ दोनों खड़े करके अपने मास्टर को, अपने गुरु को कह रहे हैं कि ये इट्स ऑल फॉर यू, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ यू। सो कितनी अच्छी बात है। और ये देखें, ये हिंदुस्तान की कामयाबी है एज अ ब्रांड, ये हिंदुस्तान की कौम की कामयाबी है। और मैं बड़ा ओपनली आपको लाइव ऑन टीवी भी ये कह रहा हूँ कि आपकी इकॉनमी, आपकी क्रिकेट, आपके सिस्टम्स, आपके टीवी, आपकी ब्रॉडकास्टिंग, आप सारे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जहां आज आप खड़े हैं, आप इसको थॉरली डिजर्व करते हैं। और आज भी मैं समझता हूं कि टॉस के ऊपर आई एम नॉट कन्विंस्ड। मैंने सुबह भी बात की है कि अगर दो कप्तान इधर खड़े हैं, रेफरी इधर खड़ा है, सामने वो इतना बड़ा मैट रखा हुआ है, वो टॉस का स्पॉन्सर है, और आप टॉस सिक्का पकड़ के छक्के को छालना होता है, फेंकना नहीं होता, फ्लिप करने की बजाय साइडवेज वो जाके 20 फुट पे जाके फेंक दिए। अब मेरा इसमें ये है कि दो कप्तान टॉस करने जाते हैं, अगर आप और मैं टॉस कर रहे हैं तो आई वांटेड टू सी सिक्के भी आया क्या है, बिल्कुल, तो वो मैट किस लिए रखा है। इसने ये हरकत बाबर आजम के साथ भी की थी, T20 वर्ल्ड कप में भी की थी, और यही ऐसे पकड़ के वो उधर फेंक दिए, इससे भी दूर फेंक दिए। बट व्हाई, अब इतना जब क्रूशल टॉस है, टॉस के ऊपर 50% का रिजल्ट है, जो पिछले जितने भी आप इनके मैचेस यहां देख, ऐसे ही है, तो पता नहीं ये क्यों करते हैं, आई डोंट नो हाउ डिड दिस हैपन। मेरे ख्याल रमीज भाई का भी इस पे स्टांस जरूर जानते हैं, क्योंकि रमीज भाई आपने बहुत ज्यादा टॉस करवाए हैं, प्री मैच प्रेजेंटेशन में भी आप होते हैं, 99% हमने देखा कि मैट के ऊपर टॉस को फ्लिप किया जाता है, इतनी दूर थ्रो कर देना। ये कॉन्ट्रोवर्सी आज रात से कल से स्टार्ट हो रही थी, पाकिस्तान के मैच में भी बात हुई कि बाबर आजम और जब बटलर थे, बटलर ने बहुत दूर फ्लिप किया और कैप्टन उधर खड़े रहते हैं और मैच रेफरी जाके बताता है हु हैज वन द टॉस। और आज हमने एग्जैक्टली शो से पहले ये बात की कि अगर ये कॉन्ट्रोवर्सी मेयर कॉन्ट्रोवर्सी है तो हम देखेंगे फ्लिप कैसे करते हैं, और वो 20 गज दूर थ्रो किया गया, मतलब इट वॉज सेम हैपन विच वी डिस्कस इन द शो। आप तो खुद देखते हैं, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए यहाँ दगल फसल ऐसी नहीं होती है, क्योंकि मैच रेफरी है, ऊपर कैमरास हैं, ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है आपकी ये इस तरह से नहीं हो सकता कि मैच रेफरी इंडिया को टॉस जिता देगा, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, किस्मत भी इंडिया के साथ है। दूसरा जो शमी ने जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दे दी, आई थिंक इतनी विकेटें 5 मैचों में, मेरा ख्याल 7 विकेट किसी बॉलर ने आज तक नहीं ली हो, ऐसे ही उसको तो ये सारे मैच खिला देते तो हो सकता है 50 विकेट इसी वर्ल्ड कप में पूरी कर। और ये डगआउट में बैठे थे क्योंकि पांड्या खेल रहा था, ये तो इनकी इंडक्शन, तो पांड्या नहीं खेला तो देखिए ब्लेसिंग डिस्गाइज़ इसने परफॉर्मेंस दे दी है, अनबिलीवेबल जी।